नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। झारखंड में भाजपा की सरकार, जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और झारखंड में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। भाजपा ने अपने सहयोगी दल आजसू के साथ मिलकर 42 सीटें हासिल की हैं, जो कि बहुमत से एक सीट ज्यादा है। राज्य में शिबू सोरेन की पार्टी 19 सीटें हासिल कर दूसरे नंबर पर रही है, जबकि कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट गई है। हालांकि भाजपा के मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से एक अर्जुन मुंडा सरायकेला खरसावां सीट से चुनाव हार गए। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में कोई भी दल बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाया है। यहां मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी ने सर्वाधिक 28 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा 25 सीटें हासिल कर दूसरे स्थान पर रही। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर में मिशन 44 का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा कश्मीर घाटी और लद्दाख में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों ही राज्यों में भाजपा की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि इस जीत का आधार मोदी जी के 6 माह का काम है। शाह ने कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में हमने झारखंड में 23 और जम्मू कश्मीर में 14 सीटें ज़्यादा जीती हैं। एक सवाल के जवाब में शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने सभी विकल्प खुले रखे हैं, वह दूसरे दल को समर्थन दे सकती है या फिर खुद भी सरकार बना सकती है। ड्रेसिंग रूम में झगड़े भारतीय क्रिकेटर। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के लिए ड्रेसिंग रूम का माहौल भी जिम्मेदार है। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार ब्रिस्बेन टेस्ट के 4थे दिन ड्रेसिंग रूम में दिल्ली के 2 धुरंधर खिलाड़ी आपस में झगड़ लिए, जिसका टीम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। खबर के अनुसार अभ्यास के दौरान शिखर धवन चोटिल हो गए थे, जिसके चलते विराट कोहली को 4थे दिन चेतेश्वर पुजारा के साथ खेल की शुरुआत करना पड़ी। असल झगड़ा तब शुरू हुआ जब कोहली मैदान पर गए और 1 रन बनाकर आउट हो गए। पवेलियन की तरफ लौटते हुए कोहली बेहद गुस्से में थे और अंदर जाकर धवन पर फूट पड़े। कोहली ने धवन को उनके आउट होने के लिए जिम्मेदार बताया, क्योंकि धवन की वजह से ही उन्हें अचानक मैदान पर जाना पड़ा। जवाब में धवन ने कहा कि वो देश के लिए खेलने में गर्व महसूस करते हैं और उनका फॉर्म ठीक नहीं होगा तो वो खुद टीम से बाहर बैठ जाएंगे, न कि अपनी चोट का झूठा बहाना करेंगे। बात इतनी बढ़ गई कि टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री को आकर दोनों को शांत करना पड़ा। ये थे आज के मुख्य समाचार। नमस्कार।